भय और आतंक का पर्याय रहे पिंडारी, जिनका 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक आतंक हुआ करता था। पिंडारी डाकुओं का उद्भव 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के समय का माना गया है। औरंगजेब जब भारत में आक्रमण करने आया तब उसका सामना मराठा शासकों से हुआ। पिंडारी डाकू बहुत ही आक्रामक और लड़ाकू हुआ करते थे। मराठा शासकों ने इनका सर्वप्रथम उपयोग औरंगजेब से युद्ध करने के लिए किया। ये पिंडारी मराठा शासक की ओर से लड़ते थे। इनको राजकीय कोष से कोई भी तनख्वाह नहीं मिलती थी, बल्कि ये परास्त हुए राजवंश को लूटकर सोने गहने ले लिया करते थे। कालांतर में पिंडारी अपने मूल कार्य को भूलकर भारतीय राजाओं को और अंग्रेजों को भी लूट मार करने लगे। पिंडारी डाकू पेंड्रा के बचरवार से बंटी बहेरा के बीच दिया गड़ार नामक स्थान में तिपान नदी के किनारे अपना अड्डा बनाकर रहते थे। यहाँ ये अपने हथियारों जैसे भाला और तलवार का निर्माण किया करते थे। यह क्षेत्र सघन वनों एवं नदी से घिरा हुआ था, जो कि पिंडारियों के छिपने के लिए एक मुफीद जगह थी। स्थानीय ग्रामवासी बताते हैं कि सालों पहले यह स्थान चंबल के बीहड़ जैसा, बड़े बड़े मिट्टी के टीले जैसा था। इन टीलों में जगह जगह ईंट से बनाए छोटे छोटे घर थे। आज भी इस जगह खुदाई करने पर लोहे का चिमटा, मिट्टी का दिया, पुराने ईंट, चिलम जैसी वस्तुएं निकलती हैं। पिंडारियों ने अपना रहवास दिया गड़ार में बनाया था। वर्तमान छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की राज रियासतों में डाका डालते थे। यह स्थल जो आप देख रहे हैं, यह दिया गड़ार के नाम से प्रसिद्ध है। आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व जिस समय यहाँ पर जमींदारी भारत की स्थापना, उस समय यहाँ पर आप सभी को पता है कि जिस पिंडारी डाकुओं के कारण नामकरण हुआ है, उन्हीं पिंडारी डाकुओं का ये आयु कारखाना हुआ करता था। उन लोगों के द्वारा बड़ी संख्या में यहाँ पर हथियारों का निर्माण किया जाता था। प्रथम जमींदार के द्वारा यहाँ पर पिंडारी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया, जिसके तहत लोगों को बड़ी संख्या में या तो मारा गया या तो यहाँ से भगाया गया। इसके बाद फिर यहाँ पर जमींदारी की स्थापना हुई। दत्तपुर नरेश पृथ्वी वंश से संबंधित, उन्होंने छिंदू सिंह और बिंदु सिंह दो भाइयों को यहाँ पर प्रथम जमींदार के रूप में नियुक्त किया। यह अत्यंत घने जंगलों में तब्दील था उससे, और पिंडारी लोग अत्यंत दुर्दांत थे, और यहाँ से सरगुजा होकर उत्तर प्रदेश या उत्तर मार्ग की ओर जाने वाले यात्रियों से लूटपाट लोग किया करते थे। यह रतनपुर राज्य के अंतर्गत जरूर आता था, लेकिन घने जंगलों में तब्दील था, जिसके कारण यहाँ पर प्रशासनिक बसावट नहीं थी। तो इसी के फलस्वरूप यहाँ पर प्रथम जमींदारी की नियुक्ति कर पंचजी नरेश महाराज ने यहाँ पर प्रशासन में कसावट लाने के दृष्टिकोण से यहाँ पर जमींदारी की स्थापना की। तब
पिंडारियों का उन्मूलन किया गया और यहाँ से उनको खदेड़ा गया। पेंड्रा के दियागड़ार में यही वो स्थान है जहाँ पर पिंडारी डाकू अपना रहवास एवं हथियारों का कारखाना बनाकर रखे थे। आज इस जगह को बहुत ही व्यवस्थित कर एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है जहाँ पर प्रतिवर्ष मेला लगा करता है। आज भी यहाँ जंगल और नदी का किनारा है और खोदने पर यहाँ आज भी पिंडारियों के अवशेष और उनकी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। अब बताओ। मेरा नाम संबल सिंह, इस जगह का नाम है दियागड़ा। बहुत घना घेर जंगल थे, यहाँ खोदने में आज भी दिया वगैरह, चमीटा वगैरह और चिलम वगैरह और ईंटा वगैरह मिल रहे हैं। मेरा नाम नवीन कुमार है, इस जगह का नाम दियागड़ार है। पहले ये घनघोर जंगल हुआ करता था, यहाँ खंडहर टीला नुमा जगह था जहाँ पंडारी डाकू लोग रहते थे। अब उस जगह खंडहर जगह में मंदिर का निर्माण कर दिया गया है। आज भी यहाँ के आसपास जहाँ खुदाई करने में बड़े बड़े आकार में चीलम, चमीटा, ईंट, दिया, ये सभी अवशेष मिलते हैं। साथियों, मेरे द्वारा छत्तीसगढ़ एवं जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही की ऐतिहासिक, रोचक एवं अनसुनी बातों को अपने YouTube चैनल हमर गौरेला में बताया जाता है। आप इसी प्रकार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।